दरगाह की ज़ियारत कर सकते हैं जाकर। किसकी? दरगाह की ज़ियारत कर सकते हैं क्या, भाई का सवाल है। दरगाह की ज़ियारत नहीं कर सकते हैं, हमारी शरीयत में कब्र की ज़ियारत करना जायज है जब वो कब्र आपके शहर में आपके गांव में हो, आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप वहां जाइए और सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकून, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र पर जाते थे तो ये पढ़ते थे। तो ये कब्र की ज़ियारत है, जो कब्र के अंदर मदफून है उनके लिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी मगफरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आप दुआ करें, उनके लिए अपने लिए नहीं। कब्र पर ज़ियारत करें, सलाम करें, कब्र वाले के लिए अल्लाह ताला से मगफरत की दुआ करें, बस ये कब्र की ज़ियारत है। लेकिन दरगाह की ज़ियारत ये मुख्तलिफ है कब्र की ज़ियारत से, क्योंकि जब आप दरगाह कहते हैं तो आप वहां ज़ियारत करने नहीं जाते हैं, आप वहां अपने लिए मुरादें मांगने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं। दरगाह की कब्र पक्की बनी होती है, ये सारे बिदात और खुराफात होते हैं, वहां कव्वालियां होती हैं, वहां जो है चिरागा होता है, ये दरगाह का मतलब होता है। तो दरगाह हमारी शरीयत के अंदर दरगाह का कोई तसव्वुर नहीं है, और शिर्क और खुराफात की जितनी किस्में हैं वो तमाम किस्में दरगाहों पर होती हैं। इसलिए आप अपने ईमान को बचाइए, महफूज रखिए, वहां मत जाइए, पता नहीं जाइए। शिर्क का जो आला तरीन जो है, जो किस्में होती हैं वो दरगाहों पर अंजाम दी जाती है।